ओके फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं प्रॉब्लम P6। ये प्रॉब्लम हमारी बुक में पहले से है। आरटीपी नवंबर 2012 में इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। तो बेसिक प्रॉब्लम या बेस प्रॉब्लम जो है वो ये P6 है, और उसके बाद P8 P6 के जैसे ही हो जाएगी। तो पहले हम P6 प्रॉब्लम करते हैं। ये लर्निंग कर्व की जितनी भी प्रॉब्लम की थी उनमें से अच्छी प्रॉब्लम में से एक ही अच्छी प्रॉब्लम है। और एक बात बताना चाहेंगे, कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग से रिलेट करती है। लर्निंग कर्व को किसी भी क्वेश्चन के साथ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग डिसीजन, किसी के साथ भी हम लोग जोड़ सकते हैं। तो आप ये नहीं सोचें कि लर्निंग कर्व का मुझे अलग से ही क्वेश्चन मिलेगा। लर्निंग कर्व की एप्लीकेशन आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम करके आपको ये समझ में आएगा कि लर्निंग कर्व को हम डिसीजन मेकिंग या प्राइसिंग डिसीजन के साथ कैसे जोड़ते हैं। चलिए करेंगे ये प्रॉब्लम। अपने आप में बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसलिए पढ़ लें इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से। चलिए, अ कंपनी विथ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज सेट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर। डिपार्टमेंट एस है, डिपार्टमेंट डब्ल्यू है, ठीक है। डिपार्टमेंट एस के लेबर आवर्स दे रखे हैं, अवेलेबल पे अंडरलाइन करेंगे जो लेबर आवर्स हमारे पास अवेलेबल है, लिखा हुआ है इन्होंने बड़ा क्लियर। स्टैंडर्ड बेसिस रेट दे रखा है सभी का, एक्सपेक्टेड लर्निंग कर्व दे रखा है, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं, डायरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट है, ये आपको पता है फर्स्ट यूनिट हमें कहां जरूरत पड़ती है। फर्स्ट यूनिट की जरूरत पड़ती है हमको जब हम स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल आर इंट्रोड्यूस इन डिपार्टमेंट एस, कंपनी इज एबल टू नीगोशिएट द फॉलोइंग प्राइसेस फॉर परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। उन्होंने कहा अगर हम 100 यूनिट बनाते हैं तो 72 रुपए पे खरीदेंगे, 200 बनाते हैं तो 64 रुपए, और 300 या 200 से ज्यादा तो 54 रुपए। ओवर टाइम इफ रिक्वायर्ड इज पेड अ टाइम एंड अ हाफ, अंडरलाइन करो इसको ध्यान से। ओवर टाइम का मतलब है कि अगर किसी भी बंदे को किसी भी डिपार्टमेंट में ओवर टाइम देना पड़ा तो उसकी जो भी नॉर्मल सैलरी है उसमें 50% एंड ए हाफ लिखा है, 50% हम लोग उसको प्रीमियम देंगे। द ओवरहेड रेट एज गिवन एवम डज नॉट इंक्लूड ओवर टाइम प्रीमियम, जो हमारे ऊपर रेट दे रखे हैं उनमें ओवर टाइम प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू एड प्रॉफिट मार्जिन एज अंडर इन द कोट इन कोटिंग द प्राइसेस। अब यहां पर देखिए जो परसेंटेज लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं हम लोग, टोटल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, और डिपार्टमेंट वाइज लगा रहे हैं। तो यानी कि हम पहले डिपार्टमेंट की टोटल, उस डिपार्टमेंट की लेबर और ओवरहेड इंक्लूडिंग फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ले लेंगे, और फिर उसमें 25% अपना मार्कअप जोड़ेंगे। द कंपनी हैज रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल टूलिंग कॉस्ट उसकी कितनी है, 1200 रुपए। इफ दिस ऑर्डर, ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, इफ दिस ऑर्डर इज फॉर 200 और यूनिट और लेस, इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन इन अ पीरियड विच हैज एग्जिस्टिंग वर्कलोड ऑफ 3840 आवर्स इन डिपार्टमेंट एस एंड 2100 लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट डब्ल्यू। ये पूरी लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए कि डिपार्टमेंट एस और डिपार्टमेंट डब्ल्यू के पास टोटल जो लेबर आवर्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं, ये देखिए ऊपर लिखा है 6000 और 4000। उन्होंने ये बताया है कि अगर ये ऑर्डर जो हमें मिल रहा है
अगर ये ऑर्डर 200 यूनिट या इससे कम का हुआ तो ये उस पीरियड में एग्जीक्यूट किया जाएगा जिस पीरियड में डिपार्टमेंट एस और डिपार्टमेंट डब्ल्यू के पास इतना काम है। ठीक है, ये वाली लाइन आप डिलीट कर दीजिए, ये किसी दूसरे क्वेश्चन से आ गई, ये काट दीजिए वाली लाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ द कंपनी डिसाइड टू गेट द वर्क एग्जीक्यूटेड इंटायरली विद इन द कंपनी, क्या प्राइस हम ले गए 100 यूनिट के लिए अलग और 200 यूनिट के लिए अलग। दूसरा पार्ट है, अगर हम एज्यूमिंग दैट द इनिशियल ऑर्डर प्लेस्ड बाय द कस्टमर इज फॉर 200 यूनिट, व्हाट लोएस्ट प्राइस। यहां पर फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, लोएस्ट प्राइस। लोएस्ट प्राइस का मैंने बताया था कि व्हाट लोएस्ट प्राइस का मतलब कम से कम प्राइस क्या होनी चाहिए। रिपीट ऑर्डर अगर हमें 600 यूनिट का मिले तो कब क्या प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब शुरुआत कैसे करें इस क्वेश्चन की, तो जो डाटा दिया है उस डाटा को यूज करो और क्वेश्चन को आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है क्वेश्चन में। अगर आप रुक गए क्वेश्चन में तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको डिपार्टमेंट एस और डिपार्टमेंट डब्ल्यू दिए हैं, तो इनके लिए P6 एक हम क्या बना लें, डिपार्टमेंट एस और डिपार्टमेंट डब्ल्यू, इनके लिए बना लें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व। ठीक है, क्या क्या है, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, एवरेज टाइम पर यूनिट, टोटल टाइम और इंक्रीमेंटल टाइम, यही चार कॉलम होते हैं। तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन क्या है, 100, 200, 400 और 800। प्रोडक्शन डबल करेंगे। एवरेज टाइम देखिए कितना दिया है, एवरेज टाइम दिया है यहां पर 18 घंटे पहली यूनिट के लिए। तो पहली यूनिट के लिए अगर 18 घंटे हैं तो ये आएगा 18, और लर्निंग कर्व इसमें कितना है, इसमें है 80% और इसमें है 70%। तो ये 14.4, ये 11.52 और ये 9.216। टोटल टाइम कर लेंगे 1800, 2880, 4608, 7372.8। ऐसे ही इसका बना लेंगे। क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, एवरेज टाइम पर यूनिट, टोटल टाइम, इंक्रीमेंटल टाइम, 100, 200, 400, 800। यहां पर एवरेज टाइम दे रखा था 9, तो ये बनेगा 6.3, 4.41 एंड 3.087। 900, 1260, 1764, 2469.60। ठीक है सर, ये हमने बना लिए अपने डिपार्टमेंट एस और डिपार्टमेंट डब्ल्यू के
स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व, जरूरत पड़ेगी हमें। चलिए अब पहला क्वेश्चन यह था कि अगर ऑर्डर मेरे पास, अगर मेरे पास 200 यूनिट या उससे कम का ऑर्डर है, ये देखिए लिखा था मैंने यहां पर, इन्होंने लिखा था कि अगर 200 यूनिट या उससे कम का ऑर्डर है, ये लिखा है इफ दिस ऑर्डर, तो ये उस पीरियड में एग्जीक्यूट किया जाएगा जिस पीरियड में हमारे पास इतना टाइम, इतने घंटे का ऑलरेडी वर्कलोड है। ठीक है, तो अब हमारा वर्किंग नोट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, इफ ऑर्डर साइज इज लेस देन 200 यूनिट्स। ठीक है, ये डिपार्टमेंट एस है, ये डिपार्टमेंट डब्ल्यू है। पहला केस ले रहा हूं मैं, ऑर्डर साइज है मेरे पास 100 यूनिट का है, तो टोटल लेबर आवर्स कितने हैं, इसमें मेरे पास 6000 घंटे हैं और इसमें मेरे पास 4000 घंटे हैं। एग्जिस्टिंग वर्क कितना है, इसमें मेरे पास 3840 आवर्स का वर्क है और इसमें देखो जरा, इसमें मेरे पास 2100 आवर्स का वर्क है, तो मेरे पास बैलेंस आवर्स कितने बचते हैं, इसमें बचते हैं मेरे पास 2160 आवर्स और इसमें बचते हैं 1900 आवर्स। आवर्स जरूरत कितने हैं मेरे को, हंड्रेड यूनिट्स के लिए मुझे 1800 घंटे चाहिए और 900 घंटे चाहिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आवर्स रिक्वायर्ड ये लाइन काट दो, मैं इसी से बना देता हूं दोनों ही चीजें, साइज दोनों है। आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 200 यूनिट्स, तो 200 यूनिट के लिए आप देख सकते हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व में कितने कितने आवर चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व में आप देख सकते हैं 200 यूनिट के लिए मुझे इतने घंटे चाहिए, तो यहां पर आएगा 2880 एंड 1260, तो आवर शॉर्टेज कितनी पड़ रही है, इसमें 720 घंटे शॉर्ट है और इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, कोई शॉर्ट नहीं है इसमें, यानी कि इतने घंटों का मुझे ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, सही है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट था, अभी मैं क्वेश्चन में कहीं नहीं आया हूं, अभी मैंने सिर्फ वर्किंग नोट बनाए हैं। अब मेरा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं P6 कर रहे हैं हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मुझे बनाना है अलग अलग, हंड्रेड यूनिट का मैं अलग बनाऊंगा और 200 यूनिट का मैं अलग बनाऊंगा। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, दोनों डिपार्टमेंट में सारे खर्चे अलग अलग हैं,
और इन पे जो लोडिंग होनी है वो मटेरियल और ओवरहेड दोनों पर की होनी है। देखिए लिखा है जो वो लगेगी हमारी लोडिंग लगेगी वो किस पे लगेगी, लेबर और ओवरहेड कॉस्ट दोनों पे लगेगी। मैं मटेरियल बोल दिया गलती से, चलिए। तो ये मेरा डिपार्टमेंट एस है, इसमें मटेरियल मेरा कितने का लगेगा, और अगर 200 यूनिट है तो प्राइस मैंने कम कर ली थी ना उससे, ठीक है। अब लेबर की बात करते हैं, तो लेबर में यहां इसमें लगेंगे मेरे 1800 घंटे, किस रेट से, रेट यहां दे रखा था 6 रुपए से, तो ये हो जाएगा मेरा 10,800 घंटे। यहां चाहिए मुझे 2880 घंटे। थोड़ा ध्यान से करिएगा, ये वर्किंग ध्यान से समझिएगा। इस 2880 घंटे में से 2160 घंटे तो मैं नॉर्मल रेट से करा लूंगा 6 रुपए से, और 720 घंटे मैं कराऊंगा 9 रुपए से, 6 रुपए में 50% जोड़ के, प्रीमियम बताया था ना मैंने, ये मेरे ओटी है। तो इसकी वर्किंग जो आएगी, इसकी कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन देखें क्या आ रही है। ये 2160 इंटू 6 तो 1272, ये भी 12960 ही आएगा, और ये आएगी 6480, ठीक है। चलिए अब मैं वेरिएबल ओवरहेड की बात करूंगा। वेरिएबल ओवरहेड इन्होंने क्या बताए थे, वेरिएबल ओवरहेड थे 9 रुपए और 5 रुपए। तो 1800 रुपए 9 रुपए से और यहां पर आएंगे 2880 घंटों पे 9 रुपए से 25,920, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड जो थे वो मेरे कितने थे, वो थे 12 रुपए और 8 रुपए। तो 1800 इंटू 12 ये आएगा मेरा 21,600, 2880 घंटे इंटू 12 ये आएगा मेरा 34,560, ठीक है। इनका जो टोटल है, टोटल लेबर एंड ओवरहेड, सिर्फ लेबर और ओवरहेड का छोड़ के, मतलब मटेरियल को छोड़ दें अगर, तो मटेरियल ए है और लेबर और ओवरहेड का टोटल देखेंगे तो वो कितना आ रहा है, वो बी आएगा। कैलकुलेट करो 16 और 27, 48,600, ठीक है। और इसका ये मेरा ए हो जाएगा और यहां पर बी आएगा, इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आ रहा है 79920। इसमें मार्कअप जोड़ देंगे हम 25% से 12,150,
और इसमें 25% से जोड़ेंगे 19,980, ठीक है। तो मेरा जो डिपार्टमेंट एस का जो खर्चा आएगा वो इन सब का टोटल आएगा, ए बी सी डिपार्टमेंट एस जो आएगा वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डिपार्टमेंट एस का जो खर्चा आएगा वो मैं लूंगा, बी और सी का खर्चा लूंगा ना मैं, ए से मुझे क्या मतलब है। तो ये आएगा हमारा 7,670,50 और इसका जो खर्च टोटल आएगा वो आएगा 99,900। ऐसे ही अब मैं डिपार्टमेंट डब्ल्यू की वर्किंग करूंगा, ठीक है ना। अब मैं डिपार्टमेंट W की वर्किंग करूंगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही चलेगी। चलिए, लेबर कितनी लगेगी डिपार्टमेंट W में, यहां पर 900 घंटे हैं और यहां पर है हमारे 1260 घंटे। रेट क्या है W का, लेबर का रेट है ₹5। तो ये हो गया 4500 और ये हो गया 6300। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड की बात करेंगे, ये भी ₹5 के रेट से 4500 और फिक्स्ड ओवरहेड की बात करेंगे तो ये हम ₹8 के रेट से लगाएंगे 7200। इनका जो टोटल है ये हमारा डी कहलाएगा, लेबर एंड ओवरहेड, इसका टोटल आ रहा है 16200 और इसका टोटल आ रहा है 22680। इसमें जो मार्कअप जोड़ना है वो जोड़ना है 15% से, इसका मार्कअप आएगा, इसको हम ई देंगे 3402, ठीक है। चलिए, तो ये डिपार्टमेंट W की जो कॉस्ट आई है वो आई है 18630 और 26082। ये कॉस्ट है डिपार्टमेंट एस की, ये कॉस्ट है डिपार्टमेंट डब्ल्यू की और ये कॉस्ट है मटेरियल की। टोटल कॉस्ट टोटल कितना आएगा इन सब का जो टोटल आएगा, एक सेकंड, इसमें अभी स्पेशल टूलिंग कॉस्ट तो जोड़नी है। टूलिंग कॉस्ट ₹1200 आएगी,
तो टोटल जो रहेगा इसका आएगा 877 80 और इसका टोटल आएगा 140 142। ठीक है, और एवरेज अगर निकालेंगे तो 877 80 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आएगा 877.80 और 140 142 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 700.71। ठीक है, देखिए ये आंसर आ गया हमारा, ये आंसर हमारा पहला आ गया है अभी। अब हमें दूसरा आंसर निकालना है। ठीक है, सेकंड आंसर, इसको पढ़िए जरा ध्यान से। इन्होंने बोला है कि assuming that the initial order placed by the customer is for 200, what lowest price, अब lowest price निकालनी है, underline करें इसे, should be quoted for repeat order of 600 unit। तो आप लोगों को यहां हमने 200 यूनिट की वर्किंग आ गई है आपके पास, ठीक है ना, 200 यूनिट की वर्किंग है। अब मुझे अगली 600 बनानी है तो नेक्स्ट 600 का जो मेरी प्राइस आएगी वो कितनी होगी, दिस माइनस दिस कितना होगा, जरा देखें कैलकुलेट करके, ये आएगा 7392.8, ये आएगा 4492.8 और इसमें दिखा लेंगे तो ये आएगा 1209.60। इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब मुझे बनाना है स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस फॉर 600 यूनिट। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मटेरियल की, फिर डिपार्टमेंट एस और डिपार्टमेंट डब्ल्यू। जब लोएस्ट प्राइस बोलते हैं तो मैंने पहले कई बार बताया है, हम लोएस्ट प्राइस में ओनली वेरिएबल कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट एस की बात करें, 600 के लिए मुझे घंटे कितने चाहिए, 600 यूनिट के लिए मुझे जो घंटे चाहिए, लेबर कॉस्ट आएगी मेरी 4492.80 मल्टीप्लाई बाय, इनका रेट क्या था, 6 रुपए। वेरिएबल ओवरहेड होंगे 4492.80 इंटू 9 रुपए और फिक्स्ड ओवरहेड होंगे हमारे निल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि अगर हम लोएस्ट प्राइस बोल रहे हैं, लोएस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड फिर हम उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही डिपार्टमेंट डब्ल्यू की देखेंगे, लेबर कॉस्ट आएगी 1209.6 इंटू 5, वेरिएबल ओवरहेड 1209.6 इंटू 5 और फिक्स्ड ओवरहेड हमारे क्या रहेंगे, निल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेफर
PTR, ये PTR है, point to remember. Point to remember. अच्छा आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने किसी सप्लायर से निगोशिएट कर रखा है कि भाई हम इस प्राइस पर आपसे लेंगे, आपने उससे निगोशिएशन है कि 100 यूनिट पे मैं आपको 72 रुपए दूंगा, 200 यूनिट पे मैं 64 रुपए 80 पैसे लूंगा, और 300 या इससे ज्यादा होंगी तो मैं 54 रुपए लूंगा. तो देखो 200 यूनिट तो मैंने पहले बना ली, आप 600 बना रहा हूं, तो मैंने उससे टोटल कितने लिए, 800. तो क्या 800 यूनिट का मैं 54 रुपए से दूंगा कि नहीं, 200 का मैं 64 से दूंगा और 600 का 54 से दूंगा. लॉजिकली जब अगर हम किसी एक सप्लायर से बार बार खरीद रहे हैं तो हम तो उससे कहेंगे भाई वो भी इसी रेट के लगाओ ना. तो जब हमने कॉस्टिंग करी थी तो उसमें हमने 64 रुपए से कॉस्टिंग कर ली थी, तो अब हम ये देखेंगे मेरी एडिशनल मटेरियल कॉस्ट कितनी लग रही है 600 के लिए. इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से समझिएगा. टोटल कॉस्ट फॉर 800 यूनिट वो होगी 800 × 54. ये कितनी आ रही है मेरी 800 × 54, ये आएगी 43,200 लेस कॉस्ट ऑलरेडी चार्ज्ड विद 200 यूनिट. मैंने 200 यूनिट को अपनी जब चार्ज किया था तो 64.8 से किया था, तो नेट मटेरियल कॉस्ट टू बी चार्ज्ड फॉर 600 यूनिट. ये वाला पॉइंट हम लोग नॉर्मली मिस कर देते हैं. हम लोग क्या करते हैं, 600 यूनिट को हम 54 रुपए से लेंगे. नहीं, जब हम मिनिमम की बात करेंगे तो हम कहेंगे हमें टोटल 800 का कितना पड़ रहा है सर, 54 रुपए से पड़ रहा है 43,200. हमने मटेरियल के खाते में ऑलरेडी कितना ले रखा है सर, हमने 12,960 पहले ऑलरेडी चार्ज कर रखे, तो 30,240 और चार्ज करो ना. तो यहां पर जो मटेरियल की कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 30,240. ये मेरे पढ़ाने के बाद एक बार इसको और कर लीजिएगा. यहां तक की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो टोटल कॉस्ट आएगी आपकी, इसका जो टोटल आएगा डिपार्टमेंट एस वाले का वो आएगा 67,392, और डिपार्टमेंट डब्ल्यू वाले का, डिपार्टमेंट एस, और जो डिपार्टमेंट डब्ल्यू का आएगा वो आएगा 12,096. तो टोटल तीनों का जो आएगा वो आएगा हमारा 109,728, ठीक है ना. एवरेज कितना आएगा, 109,728 डिवाइडेड बाई 600, तो ये 182.88 के आसपास आएगा. ठीक है, आई थिंक सो मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में. चलिए अब आप देखें P8 देखें, इसमें जो डिपार्टमेंट हमने लिखे हैं वो SW की जगह KT वर्ड आगे ऐड कर दिया है. जहां मैंने 6000 थे वो 12000 हो गए, 4000 की जगह 8000 हो गया, रेट इन्होंने आधे कर दिए हैं. 100 और 200 यूनिट की लेवल दे रखी है प्राइस की,
जस्ट रेट आधे कर दिए हैं, सारा क्वेश्चन सेम है। और यहां पर जो परसेंटेज है वो लेबर की अलग कर दी है और ओवरहेड की अलग कर दी है। आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन सेम है। इसमें जो मैंने बी पार्ट किया था ना अभी, जो 600 यूनिट वाला, वो हिस्सा नहीं करना है। तो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। P8 आपका होमवर्क हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब आपकी लर्निंग कर्व की मैंने P1 से लेके P12 तक सारी प्रॉब्लम करा दी है। थैंक यू।